बताइए आप कहाँ से आए हैं? जी गाजियाबाद से। गाजियाबाद से आप क्यों आए हैं? जी हम ये आए इसलिए आए हैं, जो हमारा संविधान इन्होंने जलाया है इनको अभी तक भी उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं करी, और हमारे जो 2 अप्रैल को हमारे भाई बंधुओं ने जो उन्हें धरना प्रदर्शन करा था उन्हें सही सलामत उन्होंने आराम से प्यार से अपने उसके लिए हक के लिए उन्होंने तो उन लोगों को पकड़ लिया इन्होंने और जेल में डाल दिया, अभी तक वो छूटे नहीं है। तो हम ये जब उनके साथ इन्होंने इतना दुर्प्रभाव करा है ये है तो उन्होंने तो हमने हमारे हक के लिए हमने करा था वो सब, तो अब तो इन्होंने संविधान जला दिया, जो संविधान किसी को छू भी नहीं सकते वो उन्होंने जला दिया है, तो उसके लिए इन्होंने कुछ भी ऑप्शन नहीं लिया है, तो हमने 9 तारीख तक अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं करी, तो इसी प्रति हम यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। मीना राजीव आपने बहुत अच्छी बात की, संविधान के अंदर महिलाओं को कोर्ट बिल के अनुसार हिंदू कोर्ट बिल के अनुसार आपको बहुत बड़े सम्मान दिया था। हाँ जी, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ जो संविधान हमारे बाबा साहब ने लिखा, तो यदि ये बाबा साहब ने ही लिखते जो इनकी महिला हैं आज नौकरी पे हर चीज पे हर जगह जगह पे इनकी हैं, ये ब्राह्मण समाज जो है इनकी जो महिलाएं नौकरी पर बैठी हुई हैं वो हमारे बाबा साहब के लिए, हमारे बाबा साहब ने एक चीज रखी, बाबा साहब ने अकेले नहीं हमारे ने सब महिलाओं के लिए करा, हमारे लिए नहीं दलित परिवार के लिए बहुजन के लिए नहीं सारी महिलाओं के लिए करा है। तो ये जब यदि बाबा इंदिरा गांधी थी या मुख्यमंत्री थी वो बाबा साहब के संविधान के तहत तो बनी है, ये मोदी योगी जो भी बने हैं ये हमारे बाबा साहब के संविधान के लिए, नहीं आजकल ये चाय बेचते था तो ये यहाँ पर पहुंचा था नहीं पहुंचता आज तक, तो ये मैं ये कहना चाहती हूँ मोदी जी से, जब ये इन्होंने हमारे 2 अप्रैल को जब हमारे बहुजन के लोगों को सबको पकड़वा दिया तो अब तक क्या कर रहा है ये, इसकी सरकार कर क्या रही है, ये क्यों नहीं पकड़ा गया, ये इसके हाथ में सब कुछ है, तो ये जब जहाँ पे ये जला हुआ था ये तो उसी दिन होना चाहिए था, सारी पुलिस फोर्स यहाँ पे खड़ी रहती है, यहाँ पे तो दूर दूर तक हाथ नहीं लगा सकता, तो वहाँ पे जला कैसे दिया, ये सब मोदी सरकार ने करवाया है और हमें चाहता है ये आज आगे तक होता रहेगा, क्यों मोदी सरकार ये चाहता है कि हम 70 साल पहले जो थे नीच, जो हमारे पास इन्हें झाड़ू पोछा ये करवाता था हमसे, वही दोबारा चाहना चाहता है, इसने पहले सफाई के उससे हमें झाड़ू हाथ में दे दी, अब ये हांडी देना चाहता है, पर हम ये होने नहीं देंगे, कभी जिंदगी में नहीं होने देंगे, हम ईंट से ईंट बरसा देंगे, सारी महिला सड़कों पे आ जाएगी, बच्चा जू जू गांव का सड़कों पे आ जाएगा, पर हम ये होने नहीं देंगे, और यदि आगे से कभी ये चीज हुआ तो हम एक से एक क्या कहते जो भी हमसे बन पाएगा हम वो करेंगे, तो संविधान तो हम नहीं बदलने देंगे। मीना राज जी, जिस तरीके से हमारे दलित सांसद हैं वो जब एट्रोसिटी हुई थी हमारे लड़के बंद किए थे, जब नहीं बोले संविधान जलाएगा, जब नहीं बोले, यही लोग अब आपके बीच में वोट मांगने आएंगे, तो आपका क्या रोल है? हमने ये कहा है यदि मोदी सरकार, मैं अपने एरिया की मैं शपथ लेती हूँ, यदि मोदी सरकार की भूल की हमारे गली में वोट मांगने आएगी तो मैं खुद कहती हूँ चप्पल से मार के उनके मुंह को फेंक दूंगी, और मैं अपने एरिया में उनको आने नहीं दूंगी, और मैं ईवीएम मशीन के लिए भी मैं ये कहती हूँ यदि मेरे एरिया में ईवीएम से मशीन से वोट डलेंगे, मैं अकेली चुनौती देती हूँ मोदी सरकार को, मैं उस ईवीएम को तोड़ के दिखाऊंगी पूरे को, और मैं तुम सबको 85% को कहती हूँ एक एक जना अपने अपने मोहल्ले की शपथ ले ले कि हम ईवीएम मशीन से हम वोट नहीं डालने देंगे, तो देखती हूँ कैसे मोदी सरकार आती है, हमारी बहन जी को कोई आने से नहीं रोक सकता।